केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 2600 रुपए देने की योजना पर काम कर रही है और इसकी शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से हो सकती है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार गरीबों को राशन पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की तैयारी में है। इसकी जगह गरीबों को हर महीने 2600 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। पिछली यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया था, जिसके तहत देश के हर गरीब को अनाज मुहैया कराया जाता है, लेकिन अनाज आवंटन में गड़बड़ी की लगातार शिकायतों के बाद मोदी सरकार अनाज की जगह सीधे पैसे खाते में भेजने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत घर के मुखिया के खाते में 2600 रुपए हर महीने जमा कर दिए जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने हाल ही में कहा था कि खाने और ईंधन पर सब्सिडी खत्म कर देने के बाद देश के हर नागरिक को साल में 2600 रुपए दिए जा सकेंगे। इस योजना में गांव की 75% आबादी को फायदा होगा, वहीं शहरी क्षेत्र के इस विधेयक के दायरे में 50% आबादी आएगी। फिलहाल जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत सरकार हर महीने 6,52,00,000 PPL परिवारों को न्यूनतम दरों पर गेहूं और चावल दे रही है, जबकि APL की श्रेणी में आने वाले 11,50,00,000 परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।